यार, दोनों का आपका स्वागत है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम. अरविंद जी, पहले जो सवाल मैं करूंगी, बात तो उत्तराखंड की करनी चाहिए, आपके यहाँ के कैंपेन की करनी चाहिए, पर कुछ चीजें हैं जो बहुत चर्चा में हैं. अब आप पे बहुत बहुत गंभीर आरोप लगे हैं. कल प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आपकी सरकार जो दिल्ली की है, जो माइग्रेंट्स थे कोविड के टाइम पे, उनको विवश कर दिया कि वो पलायन करें दिल्ली से और कोरोना बाकी राज्यों में फैलाएं. बहुत गंभीर आरोप है. उसके बाद योगी जी ने कुछ ट्वीट किए थे, उसकी बात करेंगे. पहले प्रधानमंत्री जी का जवाब तो जरूर दीजिए. मेरा अपना मानना है कि मैं जिस पद पे हूं, प्रधानमंत्री जी जिस पद पे हैं, योगी जी जिस पद पे हैं, हम लोगों को आपस में गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को आपस में तू मैं नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए. जब हम ऐसा करते हैं तो जनता में क्या मैसेज जाता है? जनता ने हम लोगों को इसलिए नहीं चुना कि हम आपस में लड़ें, आपस में गाली गलौच करें. जनता ने हम लोगों को इसलिए चुना है कि हम सारे मिलके लोगों का विकास करें. कल योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर कुछ आरोप लगाए थे जो सरासर बेबुनियाद थे. उन्होंने आरोप लगाए, मैंने उसका तुरंत जवाब दे दिया ट्विटर पे ही. मेरे लिए मामला यहीं खत्म हो गया. मेरे को गाली नहीं देनी आती, मेरे को तू मैं नहीं करनी आती, मैं वापस अपने काम पे आ गया. अब इस पे मुझे और कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी. मेरे को राजनीति नहीं करनी आती, ये मेरी कमजोरी है. मेरे को तू मैं नहीं करनी आती. मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली अच्छी करनी आती है, पानी अच्छा करना आता है, मैं वो सब करने को तैयार हूं. अगर इस देश में कहीं स्कूल बनवाने हो केजरीवाल को बुला लो, कहीं अस्पताल बनवाने हो केजरीवाल को बुला लो, बिजली ठीक करनी हो केजरीवाल को बुला लो. राजनीति उनको मुबारक. अरविंद जी, तालियां तो बज रही हैं, पर दो सवाल तो जरूर करूंगी क्योंकि ये आरोप हैं. तो और जो दिल्ली के लोग हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके सीएम हैं, उनको क्योंकि जो विजुअल्स थे उस टाइम पर लोग भूले नहीं हैं, जो इतनी लंबी लंबी कतारें थी आनंद विहार टर्मिनल पर, लोग जा रहे थे, पैदल पैदल लोग निकल रहे थे, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, दिल्ली ने देखा है. तो उस हिसाब से जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की गाड़ियां लाउडस्पीकर बांधकर माइग्रेंट कॉलोनीज में जा रही थी और उनको बोल रही थी कि यहां से निकलिए, पता नहीं क्या ऐसी बीमारी आने वाली है, ये हुआ था? नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे थे वो. मैंने ट्वीट में यही लिखा है कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने सरासर झूठ बोला है, ये शोभा नहीं देता. उसके बाद आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का. एक बात आपने अभी उठाई है जो सबको थोड़ी अलग लगी, क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने जैसी भाषा इस्तेमाल की, भाई देखो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी. तो ये आपका क्या कहते हैं ना, एकदम से गुस्सा आता है और आपने ट्वीट किया, तो जब सुनो केजरीवाल हुआ तो आपने सुनो योगी किया. बस जो मेरे को कहना था मैंने ट्विटर में कह दिया. अब मेरे लिए इतना ही था, बस इतना, ये खत्म. अब आप काम पे आते हैं, काम करते हैं. चलिए, इसमें एक और चीज हुई है अरविंद जी, के कांग्रेस कूद पड़ी है. वो कह रही है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, जो बीजेपी है, ये नूरा कुश्ती है, फिक्स्ड मैच है, दोनों एक टीम है और आप उनकी टीम भी है. मैं बाहर हो जा रहा हूं, कांग्रेस लड़ ले, उनको तो लड़ाई में ही मजा आता है, मेरे को लड़ाई में मजा नहीं आता, मेरे को नहीं लड़ना. कांग्रेस लड़ ले योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से, वो आपस में लड़ते रहे, मैं नीचे हूं, काम कर रहा हूं, मैं काम ही करना चाहता हूं. तो आपस में लड़ ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस लड़ ले, मैंने मैदान साफ कर दिया उनके लिए. पर वो तो कह रहे हैं नूरा कुश्ती है, फिक्स्ड मैच है, वो कर ले. चलिए, हम देवभूमि में है, हम हरिद्वार में है. एक और चीज, क्योंकि ये पिछले कुछ ही मतलब पिछले 10 घंटे में ही हुआ है कि बहुत सारा आप पे आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी से ही हिंदुत्व के बारे में. हम हरिद्वार में हैं और बीजेपी को लेके ही आरोप लगे हैं कि मान लीजिए अगर आप दोनों ही एक ही साइड के कॉइन हो, जो कहते हैं अग्रेसिव हिंदुत्व, आप थोड़े लाइट हैं, वो स्ट्रांग है. हिंदुत्व क्या है? मेरा अपना मानना है हम सब हिंदू हैं और हमारे सबसे बड़े भगवान हम श्री रामचंद्र जी को मानते हैं. रामायण में उनकी पूरी कहानी लिखी हुई है. मेरा अपना मानना है कि हिंदुत्व वो है जो रामायण के अंदर रामचंद्र जी की वाणी है
उनका आचरण है, उनका संदेश है। हिंदुत्व बस ये है और इसके बाहर कोई हिंदुत्व नहीं है। अब रामायण के अंदर हम देखते हैं कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। वो देख रहे थे अपनी आंख के कोने से कि शबरी चख चख के उनको बेर दे रही है, पर प्यार से दे रही थी। वो देख रही थी कौन सा मीठा बेर है, कौन सा फीका बेर है, मीठे मीठे बेर उनको दे रही थी, और भगवान मुस्करा मुस्करा के उसके झूठे बेर खा रहे थे। ऐसे अगर हमारे भगवान हैं और ये लोग दलितों के लिंचिंग कराते हैं, तो ये हिंदुत्व थोड़ी है। हिंदुत्व वो है जो भगवान राम ने सिखाया था, जो शबरी के झूठे बेर खा रहे थे। भगवान राम ने 2 मिनट के अंदर अपना राजपाट त्याग दिया। अगले दिन सवेरे सवेरे भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। भगवान राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। अयोध्या की राजा खूब प्यार करती है रामचंद्र जी से और चाहती है कि वो राजा बने। शाम को दशरथ जी उनको बुलाते हैं, वो उनके कक्ष में जाते हैं, केकई वहीं बैठी है। दशरथ जी की तो हालत ही नहीं थी कुछ कहने की। केकई उनको कहती है कि 14 वर्ष का वनवास। रामचंद्र जी चाहते तो कहते कि मैं कोई वनवास नहीं जाता, और सारी जनता रामचंद्र जी के साथ होती, अगले दिन राज्याभिषेक हो जाता, राजा बन जाते। फिर रामचंद्र जी राजा तो बन जाते, भगवान राम नहीं बनते अगर उस दिन वो अयोध्या के कबूल कर लेते। उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए और वो 14 साल के वनवास के लिए चले गए। ऐसे भगवान राम के हम लोग अनुयायी हैं जिन्होंने सत्ता 2 मिनट में छोड़ दी, और ये लोग सत्ता के लिए नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच में। वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व असली हिंदुत्व तो आम आदमी पार्टी कर रही है। हम लोगों को अयोध्या के दर्शन करा के लाते हैं, ट्रेन जाती है एसी ट्रेन भेजते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं एसी ट्रेन जाती है, एसी होटलों में रखते हैं और वहां पे सारा खाना पीना फ्री, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई थी। हम लोगों को द्वारका की तीर्थ यात्रा कराते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा कराते हैं, पुरी जी भेजते हैं, शिरडी भेजते हैं, रामेश्वरम भेजते हैं, अजमेर शरीफ भेजते हैं, वेलंकनी चर्च भेजते हैं, सभी धर्मों के लोगों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। भाई सारों को जाके शांति मिलती है। हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं पैदा करते। असली हिंदुत्व तो यही है। तो आपका हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व अलग है? उनका हिंदुत्व नहीं है। क्या है? पुराने जमाने में जो भी आदमी दूसरों के खिलाफ वो करता था, भंग करता था, राक्षस होते थे ना, तो राक्षस ऋषि मुनियों की तपस्या भंग किया करते थे। राक्षस लोगों के उसमें जाके उनका वो राक्षसी प्रवृत्ति है जो वो कर रहे हैं, वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व वो है जो आम आदमी पार्टी कर रही है, लोगों में प्यार फैला रही है, लोगों को बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, लोगों के इलाज कर रही है, अस्पताल अच्छे बना रही है, ये असली हिंदुत्व है। अरविंद, मैं कर्नल कौठियाल हैं आपके साथ, उनको जरूर लाऊंगी, पर एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि जो सब कुछ हुआ है अभी पिछले कुछ ही घंटे में, आप कह सकते हैं कि आपने जो कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी दिल्ली में, आपने वो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके मत्थे नहीं रख दी है कि सारी दिल्ली के अंदर सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने बार बार, कोविड इतनी बड़ी महामारी थी और इतनी बड़ी महामारी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आपको याद होगा पिछले साल मैं डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को वाकिफ करता था कि आज दिल्ली की क्या स्थिति है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर आज हम कोविड मैनेज कर पा रहे हैं, ये केजरीवाल की वजह से नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करते थे, हम डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते थे, सारी एनजीओज का शुक्रिया अदा करते थे, धार्मिक संस्थान बहुत सारे थे, उन्होंने अपने अपने धर्मशालाएं दी थी, राधा स्वामी सत्संग वालों ने, ब्यास ने अपना पूरा दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना, अक्षरधाम वालों ने दिया था, सबने मिलके लड़ाई लड़ी तभी तो जीते। हम उस टाइम एक दूसरे को नहीं, ये ऐसे कर रहा है जी, वो ऐसे कर रहा है जी, ये तो केजरीवाल ने ऐसे नहीं किया, इससे समाधान नहीं मिलता। मैं तो केंद्र सरकार का बार बार शुक्रिया अदा कर चुका हूं कि उन्होंने भी मदद की, इन्होंने भी मदद की, सबने मदद की, तभी तो हमने कोरोना को जीता, अकेले नहीं जीत सकते थे। अब कोरोना के 2 साल बाद अगर प्रधानमंत्री जी वहां पे लोकसभा में कहें नहीं नहीं केजरीवाल ने ये नहीं किया वो नहीं किया, केजरीवाल ने तो धक्के मार के लोग निकाल दिए, ये अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। चलिए उत्तराखंड की बात, छोटी बात है ये।
जो प्रधानमंत्री ने कहा वो छोटी बात है, झूठ बोला उन्होंने, वो छोटी बात है, गलत बात है। और जो योगी जी ने बोला उसके बाद वो भी नहीं होनी चाहिए। तो साफ बोला है, ये तूतू में अच्छी वो क्या लिखा है उन्होंने, तू तो चार ट्वीट किए पता नहीं क्या, रात को 12 बजे ऐसा क्या हो गया था। आपने भी फट से जवाब दिया, जवाब तो देना ही था, मेरे दिल्ली के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जवाब तो देना ही था, ऐसे कैसे चुप हो जाते। पर अब मेरे को और राजनीति नहीं करनी, बस खत्म हो गया यहाँ बात खत्म। अब आप काम पे आते हैं। चलिए हम काम पे आते हैं। आपने जितने सीएम फेस अनाउंस किए हैं, आपने पंजाब में लोगों से पूछा, कांग्रेस और उत्तराखंड में लोगों से नहीं पूछा, लोगों की राय नहीं लेंगे उत्तराखंड की के कर्नल कोठियाल को सीएम फेस। हमारी पार्टी की अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटजी है, कानून में तो लिखा नहीं, भी पूछना है कहीं पूछा कहीं नहीं पूछा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड की जनता से पूछा जाए, यहाँ जरूरी नहीं समझा पार्टी ने। तो क्या देखकर आपने कर्नल कोठियाल को अपना सीएम फेस बनाया? यहाँ कट्टर ईमानदार आदमी है, ये हमारी सबसे पहली शर्त होती है कहीं भी। हमारी ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी से काम करते हैं, स्विस बैंकों में अकाउंट नहीं है, प्रॉपर्टियां नहीं है हमारी अनाप शनाप। तो एक तो ये कट्टर ईमानदार आदमी है, दूसरा फौज से रिटायर हुए, देश के लिए इन्होंने गोलियां खाई हैं, आज भी 2 गोलियां इनके शरीर में है जो लेके घूमते हैं। फौज से रिटायर होने के बाद ये घर जाके नहीं बैठे, इन्होंने पहाड़ों के 10,000 बच्चों को अपने पैसे से ट्रेनिंग देके उनको फौज में भर्ती कराया, रोजगार दिलाया उनको। सोचो ऐसा आदमी जिसके पल्ले कुछ नहीं था, कोई पावर नहीं थी, कोई इसके पास संसाधन नहीं थे, इसने आज बिना संसाधन के बिना पावर के 10,000 बच्चों को रोजगार दिला दिया। अगर कल को ये अगर सीएम बन जाता है तो मुझे लगता है 10,00,000 बच्चों को रोजगार दिला देगा ये उत्तराखंड के अंदर। केदारनाथ पे जब आपदा आई, केदारनाथ 2013 में जब ध्वस्त हो गया था, तो सबको लग रहा था कि अभी हो नहीं पाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने लिख के दे दिया था कि 5 साल बाद यात्रा शुरू हो पाएगी, 6 साल बाद। फिर इनकी टीम को बुलाया गया, ये गवर्नमेंट में ही थे उस टाइम, NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल थे, इनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी, इनका काम भी नहीं था, इनको बुलाया, इन्होंने 3 महीने के अंदर केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके यात्रा चालू करा दी। कर्नल कोठियाल जी, बहुत लोगों से बात की है जमीन पर आपके बारे में, बहुत अच्छी चीजें बोली हैं कि आदमी अच्छे हैं पर नेता नहीं बन पाएंगे, क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे? नेता तो बहुत है। नेता तो मेरे को लगता है मैं कभी भी नहीं बन पाऊंगा, जो आज की अगर परिभाषा बोले किसी नेता की, वो तो मेरे पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। और मैं आकर के देखता हूं कि जितने भी नेता हैं जो आज के, मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उनको ना वो चीज नहीं आती जो मैं सीख करके आ रहा हूं 27 साल जो मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी करी, और वो है लीडरशिप। और वो लीडरशिप मैंने उस कंडीशन में सीखी है जब अवलांचेज आ रहे हैं, आपको अवलांच को क्रॉस करना है और सामने आतंकवादी है वो भी फायर कर रहा है, उसके बीच में आपने डिसीजन लेना है, वो डिसीजन में थोड़ा सा एरर आपकी भी जान जाएगी, आप पे जो भरोसा करते हैं आपके साथ आपके जूनियर्स उनकी भी जान जाएगी। उस टाइम जो डिसीजन लिए ना, उन डिसीजन की वजह से मेरे को सीखने को मिली एक परिभाषा जिसे बोलता हूं लीडरशिप, उसी परिभाषा से मैंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण का जो खाका है वो तैयार करा। उसी लीडरशिप की वजह से यूथ फाउंडेशन वो ट्रस्ट जो अभी सर बोल रहे थे जहां से लड़के लड़कियां भर्ती हुए हैं वो मैंने करे, वही लीडरशिप की परिभाषा लेकर के मैंने बहुत सारे कोशिश करी है समाज में काम करने की, वही लीडरशिप लेकर के चल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो आंदोलनकारी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, उस पार्टी में तो मेरे को लगता है किसी को भी नहीं आती नेतागिरी, यहां की अगर नेतागिरी की बात करें। लेकिन बात साथ में ये भी है, ये वो पार्टी है जिसने ना साबित करके दिखाया है वो सारे मुद्दे जो जनता की जरूरत है, जो आज उत्तराखंड की जरूरत है, और उसी को लेकर के लीडर अजय कोठियाल, नेता अजय कोठियाल हटा देते हैं वर्ड, लीडर अजय कोठियाल आज आगे को बढ़ रहा है। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हमें केवल काम करना आता है। कर्नल साहब, आप आर्मी से हैं, आपने गोलियां खाई हैं, आपने बोला कि मेन रीजन आपका जो आपने सीखा है आर्मी से सीखा है लीडरशिप। आर्मी में एक और चीज होती है टेकिंग ऑर्डर्स। आपको लगता है कि कल अगर आगे जाएंगे, और ये सवाल बहुत बार अरविंद जी से किया गया है, हर स्टेट में किया गया है, क्या ये रिमोट कंट्रोल सरकार होगी कि ऑर्डर आएगा दिल्ली से और आप एग्जीक्यूट करेंगे उत्तराखंड में? फौज में जब ऑर्डर्स आते हैं ना तो ऑर्डर्स बड़े सोच समझ करके दिए जाते हैं, उससे पहले डिस्कशन होता है, उसे बोलते हैं जंगी सोच विचार। जब जंगी सोच विचार के बाद में पैरामीटर्स डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद हम सबका फर्ज होना चाहिए उन ऑर्डर्स को फॉलो करना। अगर ऑर्डर्स ये हो कि हेलो अजय कोठियाल दिल्ली आओ मेरे घर के बाहर उठक बैठक करो, वो ऑर्डर्स नहीं होते, वो होते हैं नकली उठक बैठक।
वो वाले मेरे को लगता नहीं है कभी ऑर्डर्स हम समझेंगे। जैसे पिछले 4-5 महीने में मैं बात कर रहा था यहाँ लोगों से, धामी साहब कम से कम 75 बार दिल्ली गए होंगे, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ उनको दिल्ली जाके परमिशन लेनी पड़ती है, सारे डिसीशन वहां होते हैं, और पिछले 6 महीने में ये 2 बार मेरे पास आए हैं। जब भी जरूरत होती है मैं यहां आता हूं। तो हमारी पार्टी उत्तराखंड से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। वो जो दिल्ली से चलने वाली बात है वो बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये उत्तराखंड के लोगों की इंसल्ट है कि उनका मुख्यमंत्री जो है वो सारा दिन दिल्ली बैठा रहता है। अरविंद, बात करते हैं आपके 10-पॉइंट एजेंडा की जो आप उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं। सबसे पहला आपने बोला मैं करप्शन कम नहीं करप्शन खत्म करा दूंगा। दिल्ली में करप्शन खत्म हो गई? दिल्ली में करा था, 49 दिन की सरकार थी, याद है? 49 दिन में ये हम उत्तराखंड में 24 घंटे में शुरू कर देंगे। दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने लोगों को, मैंने रामलीला मैदान में शपथ लेने के तुरंत बाद भाषण दिया था। उस भाषण में मैंने कहा था आज से दिल्ली में कोई पैसे मांगे मना मत करना, फोन निकालना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और मेरे पास भेज देना। 49 दिन में मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आई, मैंने 32 ऑफिसरों को जेल भेज दिया। दिल्ली में करप्शन कम नहीं हुआ था, खत्म हो गया था। कोई भी पैसे मांगता था दिल्ली में, आदमी कहता था फोन निकालूं, केजरीवाल के पास भेजूं रिकॉर्डिंग, खत्म हो गई थी दिल्ली के अंदर। फिर अगली बार जब सरकार बनी, मोदी जी ने मेरी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। फिर भी काफी कम किया दिल्ली के अंदर करप्शन। आखिरी सवाल अरविंद जी, इसी से एंड करूंगी कि क्यों है कि ऑल ऑफ अ सडन आप पे जो सरकार है फुल मोड अटैक में है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके बारे में बोलते हैं कि आपने दिल्ली में जो किया ठीक नहीं किया, पलायन आपकी वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो बस यहीं पर ही हैं, कहते हैं कि जो आपने किया वो मानवता के लिए खराब है, क्रूर था जो आपने किया। क्यों है जो कांग्रेस है वो भी आपको कह रही है कि ये तो टीम भी है बीजेपी की? पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैं तो काम ही कर रहा हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं स्कूल बनाऊंगा, ये कहते हैं केजरीवाल ऐसा, मैं कहता हूँ मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे को गालियां दे रहे हैं। मैंने तो क्या बिगाड़ा है बताओ इन लोगों का? ये हो सकता है मैं छोटा सा आदमी हूँ, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि आप दिल्ली से निकल के और राज्यों में जा रहे हैं ये काम कर दें। जैसे अब मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली में आज ऐसी हालत है, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आज कोई नई पार्टी आ जाए दिल्ली में, लोग कहेंगे जी बस आपकी जरूरत नहीं है, केजरीवाल जी ख्याल रख रहे हैं, उन्होंने सारा ठीक कर रखा है, आप जाओ। अगर उत्तराखंड में इन्होंने अच्छा काम कर दिया होता, आज लोग हमें कहते जी हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ। आज अगर गोवा में इन्होंने पंजाब में अच्छा काम कर दिया होता, हमारे को घुसने नहीं देते लोग। ये लोग तो काम करेंगे नहीं, ये लोग तो चोरी करेंगे, स्विस बैंकों में पैसा ले जाएंगे, अपने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टियां बनाएंगे। हम आके जब कहते हैं भाई हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, जनता के मुद्दों की तो हम ही बात कर रहे हैं, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। चलिए अरविंद, 10 मार्च को पता चल जाएगा कि आप जाओ या आप रहो, और क्या राज्य क्या कहता है 10 मार्च को पता चलेगा।